हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान रथ चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लाया हूँ, इसमें आपके जीएस और जो जीके के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे, तो उनसे जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे कि आपका रेलवे RPF, आपका उत्तराखंड जो हो गया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, UP SSSC यानी उत्तर प्रदेश का जो अधीनस्थ चयन आयोग का, यूपी पुलिस का, SSC GD का, जितने भी आने वाले एग्जाम होंगे, तो उनमें आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब्स का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब्स कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये फायदा होगा कि जब कभी नई वीडियोज अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जो है नोटिफिकेशंस आपको दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के GS और GK के क्वेश्चन की सीरीज। इसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन है, राज तरंगणी किसने लिखी? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज तरंगणी के लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन, फर्स्ट कल्लन, परमेश्वर वर्मन या नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है, जो राज तरंगणी पुस्तक है वो लिखी आपकी ऑप्शन नंबर बी, कल्लन ने। तो आपको याद रखना है जो राज तरंगणी है उसके जो राइटर यानी जो लेखक है वो है कल्लन। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ विशेष आकर्षण का केंद्र होती है? तो आपको बताना है कि नाव दौड़ में से कौन से जो है फेस्टिवल में होती है, नवरात्रि में, ऑप्शन बी ओणम में, ऑप्शन सी जलीकट्टू में, या ऑप्शन डी युगडी में। और आपका सही जवाब होगा, जो नावों की दौड़ होती है यानी बोट रेस होती है, वो आपकी ऑप्शन नंबर बी ओणम। ओणम में जो है आपकी नावों की दौड़ कराई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? आपको बताना है 1782 में, ऑप्शन बी 1784 में, ऑप्शन सी 1764 में, या ऑप्शन डी 1757 में। और इसका सही जवाब होगा, जो प्लासी की लड़ाई थी वो आपकी ऑप्शन नंबर डी 1757 में लड़ी गई थी। तो आपको याद रखना है जो प्लासी की लड़ाई थी वो 1757 में हुई। ये क्वेश्चन भी जो है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है और काफी बार जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज हसन शाह, तो रोज जो हसन नाह है ये किस संप्रदाय का है? नव वर्ष यानी न्यू ईयर होता है, यहूदी संप्रदाय का, मुस्लिम संप्रदाय का, हिंदू संप्रदाय का, या डी होगा यहाँ पे डी, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है ये रोज हसन शाह किसका न्यू ईयर यानी नव वर्ष होता है। और आपका सही जवाब होगा, जो रोज हसन शाह है ये यहूदी होते हैं, जो उनका जो है न्यू ईयर यानी नव वर्ष होता है। तो आपको याद रखना है रोज हसन शाह यहूदियों का नव वर्ष का दिन होता है। आइए देखते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्विक स्मारक रानी की बाव कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या गुजरात में। और इसका सही जवाब होगा, जो पुरातत्व जो स्मारक है वो रानी की जो वाव है ये आपकी ऑप्शन नंबर डी गुजरात में है। तो आपको याद रखना है जो रानी की वाव है वो आपकी गुजरात में है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श किसकी उपाधि थी? आपको बताना है जो लाख बख्श उपाधि थी वो किसको थी, किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, या डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा, जो लाख बख्श उपाधि थी वो आपको जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको लाख बख्श कहते थे। इसलिए कहते थे, बताते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जो जब भी वो दान देता था, डोनेशन देता था, तो लाखों में जो है दान दे देता था, इसीलिए उसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सी संधि से हुई? तो यूरोपीय संघ को EU भी बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कभी पूछा जाए EU की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपीय यूनियन। तो आपको बताना है इसकी जो स्थापना हुई थी किस संबंध किस संधि से हुई, मैनन की संधि, यूरोपियन संधि, थॉमस संधि, या मॉस्टिच की संधि। और इसका सही जवाब होगा, जो EU की जो स्टेब्लिशमेंट हुआ, जो मॉस्टिच की जो संधि हुई थी, उस संधि के अनुसार जो है उस संधि उस जो आपकी मॉस्टिच संधि है वो आपकी यूरोपीय संघ की स्थापना से संबंधित है। ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, मॉस्टिच संधि।
आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है। तो ये डैम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट डैम है जो महत्वपूर्ण वो पता होने चाहिए, तो ये आपको बताना है मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, केरल में या असम में। और आपका सही जवाब होगा जो मुल्ला पेरियार डैम है ये आपका केरल में है, तो केरल राज्य में आपका मुल्ला पेरियार डैम है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है। आपने काफी बार सुना होगा कि एनजीओ, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नॉन गारंटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नेशनल गवर्निंग ऑफिस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा जो एनजीओ होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर, हिंदी में बोले तो गैर गैर सरकारी संस्थान। तो ये होता है आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की फुल फॉर्म। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ पर है। आपको बताना है ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी सिकंदरा, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको बताना है अकबर का मकबरा कहाँ पर है। और आपका सही जवाब होगा जो अकबर का मकबरा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा में स्थित है। जो सिकंदरा है आपका ये यूपी में पड़ता है, तो जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा यूपी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर की माता कौन थी। आपको भगवान महावीर की माता का नाम बताना है। ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी जमेली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा जो भगवान महावीर थे उनकी माता का नाम त्रिशला था, और जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी त्रिशला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। आपको बताना है ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, या ऑप्शन डी 1776। और आपका सही जवाब होगा जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो आपका 1761 में लड़ा गया। और अगर पूछा जाए किसके बीच लड़ा गया, तो जो मुगल सेना थी और जो जो अफगान थे, जो अफगानिस्तान के जो अब्दाली थे मोहम्मद साहब अब्दाली, और मराठों के बीच ये तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। और जो 1526 में इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पानीपत के जो वॉर हुए थे, तो आपको सारे पता होने चाहिए, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर एंड थर्ड वॉर। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। आपको बताना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण ऑप्शन नंबर ए अशोक ने किया था। तो आपको याद रखना है जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है किसकी पहचान करने के लिए हम आयोडीन परीक्षण करते हैं। ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा के लिए, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट के लिए, या ऑप्शन डी काइटिन के लिए। तो इसका सही जवाब होगा जो आयोडीन परीक्षण करते हैं हम वो आपका कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए कि ये कार्बोहाइड्रेट इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो इसके लिए हम आयोडीन परीक्षण करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और एक बात, और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम निम्न में से क्या व्यक्त करता है, ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व को, या जड़त्व आघूर्ण को। और इसका सही जवाब है जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम भी बोलते हैं इसको, तो ये जड़त्व को व्यक्त करता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी लाइट एमिशन डायोड, ऑप्शन सी लो एमिशन डायोड, या ऑप्शन डी लो एमिटिंग डायोड। आपका सही जवाब होगा जो एलईडी है उसका पूरा नाम होता है एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग, सी और डी फॉर डायोड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है। आपको बताना है ऑप्शन ए वेलिंगटन, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी खड़कवासला। इसका सही जवाब है जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी खड़कवासला में। तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला,
और अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में आपका IMA है। IMA बोलते हैं जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो ये IMA आपका देहरादून में है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी खड़कवासला में है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया किस वर्ष पारित किया गया? आपको बताना है 2004 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में। और आपका सही जवाब होगा जो राइट टू आपका जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI कभी कभी पूछा जाता है कि RTI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो RTI की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार आपका 2005 में पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये थे आपके GS और GK के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनका कलेक्शन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये फायदा होगा कि जब कभी नई वीडियो अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। धन्यवाद। नया वीडियो जल्द अपलोड होगा।